हेलो सर, रोजगार में आपका स्वागत है। मैं हूँ रिजवान। यूट्यूब पे फेक जॉब ऑफर लेटर या तो फेक वीज़ा नाम से सर्च करने पे सबसे ज़्यादा आपको यूट्यूब में रोजगार हिंद के वीडियो मिल जाएंगे। मतलब जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं उसकी वजह से मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेजेस और बहुत ज़्यादा कॉल्स आने लगी हैं कि फेक जॉब ऑफर लेटर चेक कर दीजिए। हालांकि फेक जॉब ऑफर लेटर है या नहीं है सिर्फ एक कंफर्मेशन के लिए, कि क्योंकि आप किसी कंसल्टेंसी से कंपनी से जब आप ऑफ़र लेटर रिसीव करते हैं तो वहाँ पे एक अमाउंट देना होता है आपको, 50,000, 60,000 या 1,00,000 रुपए। और वहाँ पे क्या होता है कि आपको सिर्फ एक ऑफ़र लेटर के बेस पे ही पेमेंट आपको रिसीव करने के लिए कहा जाता है कि पेमेंट डिपॉजिट कर दीजिए। इतना बड़ा रिस्क होने के बाद में कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बड़े उधार लेते हैं या कई सारे लोग ब्याज पे पैसे लेते हैं और तब जाके पेमेंट करते हैं। और जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप ऑफ़र लेटर चेक करना चाहते हैं तो कुछ अमाउंट आप 500 या 1,000 रुपए दे के आप अपना ऑफ़र लेटर चेक कर सकते हैं, जिससे आपका 50,000 या 1,00,000 रुपए बच जाएगा। लेकिन इस तरह से करने के बाद में मेरे पास में बहुत सारे दिन में 100 से 50, 50-150 इस तरह से ऑफ़र लेटर आने लगे, कॉल्स आने लगी। और मेरे ऑफिस टाइमिंग पे भी जो मीटिंग्स होती हैं, जो इंटरव्यू करता रहता हूँ, उसकी वजह से मैं डिस्टर्ब होता रहता हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग जब ऑफ़र लेटर वगैरह भेजते हैं तो प्लीज़ उसमें एक मैसेज जाता है, पॉपअप मैसेज व्हाट्सएप पे, और पॉपअप मैसेज को पूरा पढ़ें। और पूरा पढ़ने के बाद इफ़ यू आर सेटिस्फाइड तब आप मुझे जो है ऑफ़र लेटर भेजें। अदरवाइज़ जो मेरे पास में टाइमिंग है बहुत ज़्यादा स्कीड्यूल मेरा बिज़ी होता है, रात के 3 बजे तक भी मैं बिज़ी रहता हूँ। अब मैंने कई सारे लोगों का ऑफ़र लेटर चेक किया, लेकिन कई सारे लोगों का ऑफ़र लेटर आने के बाद में जब मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ या चेक करने के लिए मैं कहता हूँ उसमें आप 500 रुपये डिपॉज़िट कर सकते हैं, जिससे आपका एक बड़ा अमाउंट मैं बचा सकता हूँ, उसमें कई सारे लोग मुझे बुरी बुरी बातें भी कहते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि किस तरह के मैसेजेस हैं जो लोग मुझे रिप्लाई कर रहे हैं। मीन्स कि अगर मैं आपको कहूं कि आप मेरे ऑफिस में आइए और आप फ्री जॉब करिए तो शायद कोई भी नहीं करने को तैयार होगा। शायद मैं भी वही कर रहा हूं कि अगर आप ऑफ़र लेटर भेजते हैं तो आपका कहीं ना कहीं बड़ा अमाउंट बचा रहा हूं मैं, और या आपको एक सपोर्ट के तौर पर सिर्फ 500 रुपये एक मिनिमम चार्ज है ताकि मेरे पास ऑफ़र लेटर आना कम हो जाए। जो जेन्युइन हो, जो रियल हो, वही ऑफ़र लेटर आए, क्योंकि बहुत सारे लोग इधर उधर से ऑफ़र लेटर कलेक्ट करते हैं और मेरे पास भेज देते हैं। चेक करके बताइए आप खुद समझ सकते हैं। एक बिजी स्केड्यूल वाला पर्सन, मेरा ऑफिस स्टाफ है, मेरा सेटअप भी है, मेरा खुद का अपना एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है, जॉब सीकर्स आते हैं मेरे पास में, रिज्यूम आते हैं, डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उनके लिए भी मुझे टाइम निकालना पड़ता है। तो क्या ऑफ़र लेटर में आपको लगता है यस या नो कर देने में ऐसा हो जाता है कि ऑफ़र लेटर ओके है या रॉन्ग है? ऐसा नहीं, ऑफ़र लेटर में बहुत सारी वेरिफिकेशन करनी पड़ती, कंपनी का नाम देखना पड़ता है, कंसल्टेंसी का नाम देखना पड़ता है, वेबसाइट देखना पड़ता है। ऑफ़र लेटर में जो मिस्टेक्स होती हैं वो मैंने कई सारे ऑफ़र लेटर बनाए हैं, आप चाहें तो लिंक भी दिया हुआ है नीचे, देख सकते हैं कि रियल ऑफ़र लेटर कैसा होता है, फेक ऑफ़र लेटर कैसे होता है। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो मुझे बुरी बुरी बातें कह देते हैं, जो मुझे गालियां भी दे देते हैं कि मैं मतलब 500 रुपये जो चार्ज कर रहा हूँ वो दलाली कर रहा हूँ। आपको अगर कोई वकील के पास भी जाके आधे घंटे या एक घंटे का टाइम लेते हैं, उससे कुछ पूछते हैं, सलाह देने का ही वो आपको 2,000 रुपये, 4,000 रुपये हो सकता है चार्ज कर ले। फीस हर किसी की होती है, हम भी सर्विस कर रहे हैं। मैं अपना टाइमिंग सिर्फ मैनेज करने के लिए मैंने चार्ज रख दिया ताकि लोग मेरे पास ऑफ़र लेटर ना भेजें। हर किसी का जो ऑफ़र लेटर होता है मैं नहीं चेक कर सकता, और जो भी मेरे पास टाइम होता है अगर मैं चेक करता हूँ तो जाहिर सी बात है आपसे ही मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा आप कर सकते हैं अपनी फैमिली को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, अपने बिजनेस को छोड़ के, अपने धंधे को छोड़ के, अपना जो इनकम सोर्स है वो छोड़ के सिर्फ आप एक ही काम करने लगे जो फ्री है एकदम? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे आपसे जवाब चाहिए, आप मुझे बताएं। आप नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मुझे रिप्लाई करें कि क्या वाकई में जो लोग कहते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ या मेरे पास पैसे नहीं हैं या मैं अभी बिल्कुल पैसे नहीं दे सकता, तो वो ऑफ़र लेटर जो मुझे भेज रहे हैं सामने पेमेंट देने के लिए तैयार रहते हैं? 10,000 रुपये सर मैंने दे दी है, 20,000 दे दी है सर, 50,000 मांग रहा है, मतलब 10,000-20,000 आपने दे दिया ऑलरेडी, 50,000 मांग रहा है मेरे 500 रुपये के लिए जो मैं कह रहा हूँ आपसे ऑफ़र लेटर का, वो आप पे करने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि आपको लगता है 500 रुपये का आप नुकसान झेलने वाले हैं। यहाँ पे बैठा हूँ, 500 रुपये करूँगा क्या मैं? आपको 500 रुपये क्या करूँगा? मुझे 500 रुपये नहीं चाहिए। आप मुझे ऑफ़र लेटर ना भेजें, अगर भेजें तो सिर्फ इस बेस पे भेजें कि आप किसी से सर्विस करा रहे हैं, सर्विस कराने का आपको चार्ज देना पड़ रहा है और उसमें से आपको 50,000 या 1,00,000 रुपये जो है वो बच रहा है। सिर्फ एक मैसेज है इस वीडियो में, मैं आपको बता दूं तरीके मैंने बहुत सारे बताए हैं ऑफ़र लेटर चेक करने के। अभी भी वीज़ा सऊदी के, कुवैत के निकलने चालू हो गए हैं, बहुत सारे इस तरह के होंगे जो नकली वीज़ा भी देने चालू कर देंगे, और नकली वीज़ा भी चेक करने के लिए मैसेज आते हैं। ओमान का वीज़ा भी मेरे पास मैसेज आ रहा है, बहुत सारे एडिट कर करके लोग दे रहे हैं। लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों का धंधा खत्म हो चुका है, इसकी वजह से लोगों ने फ्रॉड करना चालू कर दिया, इसके पहले भी बहुत सारे फ्रॉड होते थे। आपसे रिक्वेस्ट है इस तरह के कभी भी वीज़ा आते हैं या ऑफ़र लेटर आते हैं, आप बिल्कुल फ्री होके, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है नीचे, ईमेल आईडी दी हुई है, मुझे आप ऑफ़र लेटर भेजें, मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अगर मुझे टाइम होगा तो मैं ज़रूर ऑफ़र लेटर चेक करूँगा, और नहीं तो चाहे आप मुझे 10,000 रुपये भी दे दें एक ऑफ़र
लेटर चेक करने का मैं नहीं निकाल सकता टाइम। आपको सिर्फ मदद करने का मेरा मकसद है, जितने भी जॉब सीकर्स हैं जो फ्रॉड में फंस जाते हैं, जिन लोगों के साथ में बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट चार्ज कर लिया जाता है, उन लोगों को बचाने का मकसद है हमारा रोज़गार हिंद के माध्यम से। मैंने हर तरीके से आपको बचाने की कोशिश की है, मदद करने की कोशिश की है। ये वीडियो देख सकते हैं आप, ये रात के 3 बजे एयरपोर्ट से मेरे पास कॉल आती है और एयरपोर्ट में सिर्फ एक मिस्टेक, वो भी कैंडिडेट की, जो सर्टिफिकेट उनके हाथ में नहीं था, एयरपोर्ट से उनको वापस कर दिया जाता है और उसके बाद मेरे पास कॉल आती है। मैं अपने टाइम को निकाल के रात के 3 बजे उनसे कोऑर्डिनेट करके, हालांकि मेरी कोई गलती नहीं थी, सर्टिफिकेट अगर मैंने आपको दे दिया है आप भूल गए हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी होती है, एयरपोर्ट से उनको वापस कर दिया जाता है। मैं उनके लिए ऑफिस जाता हूँ, रात के 3 बजे ऑफिस खोलता हूँ, ऑफिस खोलने के बाद में मैं एयरपोर्ट पहुँचता हूँ, वो सर्टिफिकेट लेकर उनके हाथ में सर्टिफिकेट देता हूँ, गाड़ी से 30-35 किलोमीटर भागता हुआ। मुझे क्या ज़रूरत थी, मैं क्यों जाऊँगा, लोगों की मदद करने का मेरा मकसद है सिर्फ और कुछ नहीं है। वो सर्टिफिकेट जैसे ही मैंने दिया, आधे घंटे बाकी थे फ्लाइट छूटने के लिए, उनके पास में जैसे सर्टिफिकेट पहुंचा, एंट्री हुई, वो फ्लाइट पकड़ के चले गए थैंक यू बोल के, मैंने उनसे 1 रुपया तो चार्ज किया नहीं। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें, जब बहुत इमरजेंसी पड़ जाती है किसी की, मैं तैयार हूँ आपके लिए, लेकिन आप इस चीज़ का फ़ायदा न उठाएं। बहुत ज़्यादा इस तरह के लोग हैं जो हाथ जोड़ने लगते हैं, जो रोने लगते हैं मुझसे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ मुझे इस तरह की चीज़ें ना करें आज। और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि जब हाथ पैर जोड़े कोई या रिक्वेस्ट करे कोई, विनती करे, तो जो तरीके मैंने बताए हैं उनको आप इस्तेमाल करें, आपका कभी भी नुकसान नहीं होगा। बहुत सारे ऑफर लेटर वीडियो बनाए हैं और भी आपको नए नए तरीके मैं बताने वाला हूँ, इंडिया के अलावा जो अदर गल्फ कंट्रीज़ हैं, जो सिंगापुर है, मलेशिया है, कनाडा है, USA के भी बहुत सारे इस तरह के ऑफर लेटर आते हैं। आगे आने वाले वक्त में आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा, लेकिन फिलहाल आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं कि जो मेरे पास मैसेज आते हैं, जो मुझे बुरी बुरी बातें बोलते हैं मेरे ऑफर लेटर नहीं चेक करने की वजह से, कि मैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं चेक कर पाता हूँ, तो उसके बाद बुरी बुरी बातें बोलना, क्या वो सही है, क्या मुझे जो है उन लोगों की बातें सुन के खुश हो जाना चाहिए या मुझे जो है उनको फ्री में सर्विस दे देनी चाहिए, आप बताएं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे करके। आप लोगों के ही थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं, आप ही वीडियो को शेयर करते हैं, उन लोगों तक पहुंचता है, लोगों की मदद होती है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आपका जो हार्ड एंड मनी है, जो हार्ड वर्क है, जो कर रहे हैं, जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा, वो आपके नुकसान ना हो, आपका कोई भी आपका पैसा लूट के ना जा सके, कोई भी आपके साथ फ्रॉड ना कर सके। हमारा मकसद ये है, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें वीडियो को भी उन लोगों तक जो लोग फ्रॉड करते हैं, जो लोग ऑफर लेटर भेजते हैं, आपके आसपास भी अगर ऑफर लेटर आता है आप उनको बता दें ये सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज जो है आपको दी जा रही हैं सिर्फ कम से कम अमाउंट में और आपका बड़ा अमाउंट बचाया जा रहा है। चलिए मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।